अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वालिदैन के हकूक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी अहमियत क्या है इस्लाम में, इसकी हमारे मज़हब में क्या अहमियत है, फिर कुरान और हदीस की रोशनी में इस वालिदैन के हकूक की क्या अहमियत है, और कुरान किस तरह हमें और हदीस किस तरह हमें वालिदैन का अदब एहतराम सिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमियत, दुनिया का कोई मज़हब भी ऐसा नहीं जिसने अपने मानने वालों को वालिदैन की हिदमत और अतात गुजारी की तकीद ना की हो। ईसाइत हो या यहूदियत, हिंदू मत हो या बुद्ध मत, हर मज़हब ने वालिदैन की ताबियादारी और हिदमत गुजारी ज़रूरी करार दी है, मगर इस्लाम को दीगर मज़ाहिब पर यह फोकियत हासिल है कि उसने अपनी तालीमात में वालिदैन की सिर्फ हिदमत की ही तलकीन नहीं की बल्कि एहसान की ताकीद की है, और एहसान का दर्जा हिदमत से बढ़कर है। कुरान पाक में बार बार ताकीद है वबिलवालिदैन एहसान, तर्जमा और माँ बाप से हुस्न सलूक करना, यानी अपने वालिदैन की सिर्फ इतनी ही हिदमत ना करो जितनी उन्होंने की बल्कि इतनी से जायद हो कि तुम्हारा एहसान नज़र आने लगे। अब हम देखते हैं कि कुरान इस सूरत में क्या कहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने औलाद के बड़े फ़राइज, एहसान, एहतराम, अता, शुक्रगुजारी और दुआ खैर बयान की है। सूरह बनी इसराइल में इरशाद खुदावंदी है, तर्जमा, और तेरे रब ने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी और की इबादत ना करो और माँ बाप से हुस्न सलूक करो। फिर एक और जगह सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया और इनके लिए आजजी के साथ बाजू झुका दो यानी मेहरबानी से। फिर सूरह बनी इसराइल में एक और जगह इरशाद फरमाया फला तकुल लाहुम्मा उफ़िन वला तनहरहुमा वकुल लाहुम्मा कौलन करीमा, तू इन्हें ना कहो उफ़ भी और ना इन्हें झिड़को और इन दोनों से अदब एहतराम के साथ बात कहो या करो। एक और जगह इरशाद फरमाया वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बी यानी सगीरा, और कहो या मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। हुस्न सलूक, इस्लाम ने वालदैन से हुस्न सलूक की बड़ी ताकीद की है। सूरह बनी इसराइल में ही अल्लाह ताला का इरशाद होता है वकाज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदु इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैन एहसाना, और तेरे रब ने हुक्म फरमाया है कि इसके सिवा किसी और की इबादत ना करो और माँ बाप से हुस्न सलूक करो। फिर दूसरी जगह सूरह अहकाफ में इरशाद बारी ताला होता है वस्सैना लिलइंसाना बिवालिदैही एहसाना, और हमने इंसान को माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। इन तमाम आयात से ये पता चलता है कि वालिदैन का कितना बड़ा हक है, उनका कितना बड़ा अपनी औलाद पर हक होता है कि इबादत खुदावंदी के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हक बताया गया। इस तरह हदीस पाक में भी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक पर जोर दिया गया। मसलन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा खुदा के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है, फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना, पूछा फिर कौन सा, फरमाया वालिदैन से हुस्न सलूक, फिर वालदा का दर्जा क्या है, उसने सलूक के ज़िमन में माँ बाप का दर्जा वालद से ज़्यादा, माँ का दर्जा वालद से ज़्यादा है, जैसे कि हदीस पाक में आता है कि एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ, उसने अर्ज़ की फिर कौन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ, इस तरह तीन मरतबा माँ का फरमाया, चौथी मरतबा फरमाया तेरा बाप। इस हदीस से ये मालूम हुआ कि माँ का दर्जा बाप से ज़्यादा है, इसकी वजह कुरान मजीद में ये बतलाई गई है कि उसकी माँ ने उसको बड़ी मशक्क़त से पेट में रखा और जन्म दिया। फिर अदब एहतराम, औलाद पर फ़र्ज़ है कि वह अपने वालदैन से एहसान और बड़े अदब एहतराम से पेश आए। नशस्त बरखास्त और गुफ्तगू में इसका अंदाज़ जो है यानी औलाद का इंतहाई मुदबाना हो। अगर किसी बात में इतलाफ़ राय भी हो तो मुदबाना और नरम रवैया अख्तियार किया जाए। इस ज़िमन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप के साथ नेकी करने वाला फ़र्जान जब अपने वालदैन को मोहब्बत की निगाह से देखता है तो अल्लाह ताला उसके लिए हर मरतबा देखने के इवज इसके अमाल नामे में एक मकबूल हज का सवाब लिखता है। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि अगरचे वो दिन में 100 मरतबा इन्हें देखे, फरमाया हाँ ये सही मुस्लिम की रवायत है। एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने वालिदैन को गाली देता है वो एक बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकिब होता है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स अपने वालिदैन को गाली दे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इस तरह कि अगर उसने दूसरे के माँ बाप को बुरा भला कहा तो उसके जवाब में उसने उसके वालिदैन को गालियाँ दी तो गोया वो खुद अपने माँ बाप को गाली देने का मौजब बना। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमा दी कि अगर बिलवास्ता तौर पर भी वालिदैन के एहतराम पर हर्फ आने का अंदेशा हो तो इससे भी इज्तनाब किया जाए, बल्कि वालिदैन से सख्त कलामी भी इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। फिर अतात व फरमाबरदारी, इस्लाम ने वालिदैन का अदब एहतराम सिर्फ ज़बान तक ही महदूद नहीं रखा बल्कि इसके लिए भी ये तकीद की है कि हत्तल वसी हत्तल मकान की कोशिश की जाए कि इनके अहकाम की दिलो जान से तमील की जाए, और जिस काम को कहें अताद की जाए। उनकी फरमाबरदारी में अगर वक्त और दौलत की कुर्बानी देनी पड़े तो ज़रूर देनी चाहिए, यानी माली नुकसान भी उठाना पड़े या जिस्मानी मशक्क़त
तो उनके हुक्म की बहरहाल तामील करनी चाहिए। कुरान मजीद में सूरह सफ़ की आयत नंबर 102 में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तारीफ यूँ बयान की गई, आपको जो हुक्म किया जाता है वो करें, आप मुझे जल्द ही पाएंगे इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा सब्र करने वालों में से। अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा करें, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वालदैन तुम्हें अलहाना और दुनिया से निकल जाने का कहें तो तब भी इनकी नाफरमानी ना करो, फिर नाराज़गी से बचना। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बहू से किसी बात पर नाराज़ थे, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला को हुक्म दिया कि बीवी को तलाक दे दो, मगर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिचकचाहट की तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसका जिक्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला को बुलाकर फरमाया कि अपनी बीवी को फ़ौरन तलाक दे दो, यह अबू दाऊद की रवायत है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की खुशबू 500 बरस की मसाफत से महसूस होगी, लेकिन वालदैन की नाफरमानी करने वाले लोग इससे महरूम रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे खुदा ने माँ की नाफरमानी तुम पर हराम कर दी है। फिर हिदमत गुजारी औलाद के लिए ये बात भी लाजिम है कि वह हर वक्त अपने वालदैन की हिदमत और देखभाल में लगे रहें, खसूसन जब वो बुढ़ापे में पहुँच जाए तो उनके खाने पीने का मुनासिब इंतजाम करें, बीमारी की हालत में इनका इलाज करवाएं, नीज इनकी दीगर ज़रूरियात भी तसल्ली बख्श तौर पर पूरा करें। सूरह बकरा की आयत नंबर 215 में अल्लाह का इरशाद होता है यसअलूनका माज़ा युन्फिकून कुल मा अन्फक्तुम मिन खैरिन फ़लिलवालिदैन, वो खर्च करने के बारे में पूछते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि जो माल भी तुम खर्च करो उसके अव्वलीन हकदार तुम्हारे वालदैन हैं। फिर वालदैन की हिदमत जिहाद से अफजल है। एक नौजवान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त फरमाई। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हारी वालदा जिंदा है, जवाब दिया जी जिंदा है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जिहाद पर जाने की बजाय अपनी वालदा की हिदमत बजा लाओ। फिर औलाद के माल में बाप का हिस्सा। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अपने बाप के मुतल्लिक शिकायत की कि वह जब चाहता है मेरा माल ले लेता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके वालिद को बुलाया जिसने आकर कहा है ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त था कि जब यह कमज़ोर बेबस था और मैं तवाना था, मालदार था, ये खाली हाथ था, मैंने कभी इससे अपनी चीज़ लेने से मना नहीं किया था, आज मैं कमज़ोर हूँ और ये तवाना है, मैं खाली हाथ हूँ और ये मालदार है, अब ये मुझे अपना माल मुझसे बचा कर रखता है। बूढ़े की बातें सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्कबार होकर बेटे की तरफ मुहातिब होकर फरमाया तू और तेरा माल तेरे बाप का है, अंता व मालुका लिआबिका। बुढ़ापे में हिदमत एक मरतबा सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जमात है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बार इरशाद फरमाया वह शख्स हलाक हुआ। सहाबा इकराम ने पूछा कौन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स जिसके बूढ़े वालदैन दोनों मौजूद हों या इनमें से एक, मगर उनकी हिदमत करके वह जन्नत में ना जाए। दवाए मगफिरत वालदैन के हक में सिर्फ उनकी ज़िंदगी तक ही, वालदैन के हक सिर्फ उनकी ज़िंदगी तक ही महदूद नहीं बल्कि इनकी वफ़ात के बाद भी औलाद पर यह जिम्मेदारी है कि उनके हक में ये दुआएं मगफरत करती रहे। सूरह बनी इसराइल में इरशाद बारी तआला है वकुर रब्बिर हम खुमा कमा रब्बी यानी सगीरा, और कहो है मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। रब्बन अग़फिरली वली वलिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब, ऐ हमारे रब जिस दिन हिसाब कायम होगा रोज़े हिसाब मुझे और मेरे माँ बाप को और मोमिनों को बख्श दे। ऐ हमारे रब क़यामत के रोज़ हमें बख्श देना और हमारे वालदैन को तो और तमाम अहले ईमान को भी। एक मरतबा किसी शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदमत में हाजिर होकर दरियाफ्त किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदैन के मरने के बाद भी मैं उनसे कोई नेकी कर सकता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ उनके हक में दुआएं मगफरत करो, उनके किए हुए वादे पूरे करो, इनके रिश्तेदारों से सिला रहमी करो, इनके दोस्तों की इज्जत किया करो। यह अबू दाऊद की रवायत है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।